सभी भाई बहनों को हाथ जोड़ के एक ही निवेदन करना चाहता हूँ। मैं दिलीप बोल रहा हूँ, आप तो सभी मेरे को जानते हैं, उसको बताने की परिचय बताने की तो वैसे कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो आज खुशी मिल रही है, उसी खुशी का मैं कोई इजहार नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इतनी खुशी मिली है आज कि जनता को मिली है, मेरे को नहीं। मेरे को पहले भी जो था पता था क्या अच्छा होना है क्या नहीं होना है, लेकिन जनता को जो खुशी आज मिली है कोई संदेश के द्वारा, वो बहुत ही अच्छी बात है। रही बात दूसरी कि नरेश जी के मामले में 10-15 दिन से जनता ये सोच रही थी, जो अपने खिलाफ जो लोग थे, कि नरेश जी तो यहाँ से भग गया है, कनाडा चला गया, फलाने जगह चला गया, ऐसी कोई बात भी नहीं थी दोस्तों। और नरेश जी ने आज आपके सामने खुल के बोला है कि दोस्तों ऐसा है। और जो नरेश जी ने जो काम दिया गया है कमेटी के द्वारा, तो नरेश जी वही काम कर रहा है जो कमेटी ने बोला है, और कमेटी के साथ ही है दोस्तों, नरेश जी कोई अलग नहीं है, और मैं भी कमेटी के साथ ही हूँ, ऐसी कोई दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। हम सब लोग कमेटी के साथ हैं, ये न कहे जनता कि कमेटी कर रही है। अरे कमेटी के पास में क्या है, कमेटी कुछ नहीं करती, कमेटी के साथ में जनता है, जनता करेगी वही जनता जनार्दन है, कमेटी वही काम करेगी जो जनता कहेगी, और जनता साथ देगी तो ही कमेटी है, नहीं तो कमेटी क्या है। आप लोगों को सभी को पता है कि आज इतने दिन में कब से क्या क्या हो जाता, ये भी कमेटी को पता है और जनता को भी पता है। लेकिन कमेटी ने जो भी काम किया है वो सत्य के साथ किया है और सत्य के साथ ही करेगी, ये कहना चाहता हूँ दोस्तों मैं। और आप इससे अलावा तो क्या कहूँ, मैं तो जो पहले दिन भी बिगर गारंटी के खड़ा था और आज भी बिगर गारंटी के खड़ा हूँ, और जनता का साथ देना चाहता हूँ, और आप जानो या आपकी दुनिया जाने, लेकिन मैं तो जो कंपनी गई थी उस दिन से लेके आज तक वही गाड़ी मेरे पास है, उसी गाड़ी में चलता हूँ 24 घंटे, जो सोता हूँ तो मालिक की दया से 15 दिन, जो भगवान ने हमारी स्वास्थ्य खराब हो गया इसीलिए मैं रेस्ट कर रहा था, और अभी आज चेक करवा के आज भी जयपुर से आ रहा हूँ, अभी रास्ते में हूँ, ठीक है, मालिक की दया से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रही बात दो मुकदमे अपनी बेल हो चुकी है और 2-3 मुकदमे और मालिक की दया से 1 तारीख से पहले पहले होने की संभावना है, संभावना नहीं है 101% के लेता हूँ मैं तो। और जो आज मैंने जो विपक्ष के लोगों के मेरे पास फोन आया था, उन लोगों ने ये कहा कि हमने गारंटी लेते हैं कि ये 2 में जो बेल हुई है उसको भी हम खारिज करेंगे, तो मैंने उसको ये भी बोला है, भाई लोगों जो आपको करना है उचित लगे वैसे करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उन लोगों ने मेरे को ये भी कहा है कि भाई लोगों हम शर्त कर लेंगे, हम दिल्ली जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमको भाई आप जा सकते हो, मैं ये कुछ नहीं कह सकता हूँ कि आप दिल्ली जाओ, जयपुर जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, जो आपको उचित मूल्य मिले, लेकिन जो जनता का साथ हमारे पास में है और जनता का पावर हमारे पास में है, तो कोई रोकने वाला नहीं है, उस रणबीर और सुभाष जी को, दोनों को कोई रोकने वाला नहीं है बाहर आने से, मैं तो उनको यही जवाब दिया है, और तो देखो मालिक जाने का क्या होगा, लेकिन मैं तो यही संघर्ष कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी जनता का हिसाब हो जाए और हम साहूकार हो जाए कि जनता के सामने को चलो, हमने खड़े हुए थे, कमेटी खड़ी हुई थी, तो जनता और कमेटी एक होके सारा जनता का हिसाब हो जाए, तो मालिक की दया मेहरबानी करे। जय हिंद, जय दोस्तों।